स्वागत है दोस्तों। आज हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बहुत ही दोस्तों शॉर्टकट में इसमें काम चल जाता है, इसलिए हैकर्स की भी पहली पसंद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। तो पाइथन हम स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाइथन। और ये दोस्तों जो श्रृंखला है ये पूरी एक सीरीज बनेगी वीडियोज़ की और बहुत ही जल्द हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये उसी श्रृंखला का वीडियो नंबर एक है। तो चलिए इस एपिसोड फर्स्ट में हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ज़रूरी पड़ेंगे तीन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है आपके अपने पीसी में। तो देखिए तीन सॉफ्टवेयर वो कौन कौन से हैं। पहला आपके पास पाइथन होना चाहिए और साइट डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे ऊपर एक साइट दिख जाएगी, मैंने उसको ब्लू कर दिया है, आप देख लीजिए। पाइथन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पाइचॉम। ये पाइचॉम देखिए jetbrains.com ये वेबसाइट को मैंने ब्लू कर दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो। पाइचॉम का काम क्या है, पाइचॉम एक हमें IDE प्रोवाइड कराता है, जिसके IDE क्या होते हैं, जिस तरह से आप जावा में देखते होगे एक्लिप्स या फिर किसी में भी आप प्रोग्रामिंग करते होगे, तो उसी तरह से ये जावा में उसी तरह ये पाइथन में हमें IDE प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक हमें IDE प्रोवाइड कराता है जिसका हम यदि सिंपल में कहें तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये हमें IDE प्रोवाइड कराता है पाइचॉम। हालांकि यदि आप अभी बिगिनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आपको ये जो पाइचॉम है इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि आप एडवांस का मूड बना ही चुके हो, यदि आप हमारे साथ एडवांस तक जाना ही चाहते हो, तो इसको इंस्टॉल कीजिएगा। हालांकि अभी इसकी शुरुआत पे इसमें ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, और फिर भी यदि आप बेहतरीन आनंद लेना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तीसरा सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़रूरी है वो है एनाकोंडा। anaconda.com पे जाकर के इसको कर लीजिए। ये हमें IDE और लाइब्रेरीज NumPy और Matplotlib इस तरह की विजुलाइजेशन, ये सारी कुछ लाइब्रेरी जो है हाई लेवल तक की हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, जो कि हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगी। तो चूंकि एनाकोंडा हमें IDE और लाइब्रेरी दोनों प्रोवाइड कर देता है, तो एनाकोंडा से भी हमारा काम चल जाता है। यदि आप हाईएस्ट लेवल तक जाना चाहते हो तो पाइचॉम को कर सकते हो, अन्यथा नहीं भी कर सकते हो। और फर्स्ट और थर्ड सॉफ्टवेयर तो ज़रूर आपके पास होने चाहिए, तो आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो। सेकेंड आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको जाना है यहाँ पे विंडो पे जाने के बाद आपको एनाकोंडा टाइप कर देना है। एनाकोंडा जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक आएगा नेविगेटर, एक आएगा प्रॉम्प्ट का। देखिए विंडोज में नेविगेटर और प्रॉम्प्ट दोनों चला सकते हो, और यदि आपके पास मैक है तो उसमें प्रॉम्प्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ नेविगेटर देखने को मिलेगा। नेविगेटर जो है वो GUI बेस्ड जो है चलता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जिनके पास GUI होगी मैक में तो होगी, और विंडोज़ में यदि आपके GUI है तो आप नेविगेटर चला सकते हो। हालांकि जो विंडोज़ वाले हैं जिनके पास GUI बेस्ड नहीं है तो वो प्रॉम्प्ट भी चला सकते हैं। प्रॉम्प्ट में सबसे पहले मैं लॉन्च करके दिखा देता हूँ, हालांकि मैं नेविगेटर ही चलाऊँगा क्योंकि मेरे पास GUI है और मैं नेविगेटर का ही यूज़ करूँगा। आप प्रॉम्प्ट से भी लॉन्च कर सकते हो जिनके पास हल्की कम पावर के हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे लिख देना है जुपिटर नोटबुक। तो मैं लिख देता हूँ और इसको लॉन्च कर देता हूँ। तो देखिए ये जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा और जैसे ही मैंने एंटर किया, ये लॉन्च हो जाएगा जुपिटर नोटबुक कुछ ही सेकेंड में। तो मैंने यहाँ पे टाइप अभी ये जो कमांड मेरी गलत चली गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अभी मैं कर देता हूँ। तो एक सेकेंड इसको मैं अगेन कर देता हूँ। प्रॉम्प्ट तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से आप भी इसको लॉन्च कर सकते हो, सिंपल सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक लिख देना है, JUPYTER/NOTEBOOK। तो अभी देखिए लॉन्च हो जाएगा। तो मैंने इसको लॉन्च करने के लिए कर दिया है और ये देखिए आपके सामने जो है लॉन्च फाइनली हो चुका है। तो चलिए मेरे पास मुझे प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे GUI बेस्ड ही यूज करूँगा, तो अपना GUI बेस्ड ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नेविगेटर वाला ओपन कर लिया। फाइनली इस तरह का आपके सामने विंडो आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस। आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देना है। हम अपनी कोडिंग है वो जुपिटर नोटबुक पर करेंगे और किसी पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक हमने ओपन कर लिया, बाकी सारे टैब को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं जो फालतू के यहाँ पे खुल चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम न्यू की बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे Python 3 IPY कर्नल पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको
इंट्रोडक्शन करा दूँ जुपिटर नोटबुक से। इसमें हम प्रोग्रामिंग अपनी आने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी सब जुपिटर जुपिटर नोटबुक में ही करेंगे, और जुपिटर लैब भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो होता है इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लिखते हैं, अपनी कोड करते हैं, अपनी प्रोग्राम करते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। यहाँ पे फाइल है, फाइल में आप न्यू नोटबुक चाहिए हो तो न्यू नोटबुक मंगा सकते हो, ओपन कर सकते हो, कोई फाइल सेव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, और सारे कई सारे ऑप्शन है। एडिट में आप किसी सेल को कट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। व्यू में भी कई चीज़ें हैं। इंसर्ट में आप सेल को नीचे लगा इंसर्ट कर सकते हो यदि और सेल चाहिए हो। और कर्नल्स, इसमें आप कोड को एग्जीक्यूट रन करवाने के लिए इसमें कर्नल्स का यूज होता है। हेल्प के सेंटर में आपको कीबोर्ड शॉर्टकट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप शॉर्टकट भी यहाँ पे दे सकते हो, कीबोर्ड के शॉर्टकट मिल जाएंगे। जब हमारा कोड कोई लिख जाता है उसको जब हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसको रन कहते हैं, और रन जैसे हम क्लिक करते हैं तो पता चल जाता है हमारा कोड हमने सही प्रोग्राम बनाया या नहीं बनाया। यदि नहीं बनाया होता तो एरर हमारे पास आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं तो चलिए इसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स आप देखते होंगे, वेरिएबल शब्द ही आपको लग रहा होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में मैथ्स में, कि वेरिएबल्स यानी कि जिसकी वैल्यू किसी भी क्वांटिटी पे, किसी भी वैल्यू पे अपने आप वेरी कर जाए। यानी कि आप यदि मान लीजिए कोई डेटा है आपको पाइथन में सेव करना है, तो पाइथन में मैं बता रहा हूँ आपको डेटा को सेव करना है तो आप वेरिएबल्स बना सकते हो। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा या वैल्यू जिसको हम टेम्प्रोरी के लिए सेव करते हैं, उसकी जगह हम वेरिएबल में चेंज भी कर सकते हैं। कुछ समय बाद हम वेरिएबल्स को अगेन कुछ हम दूसरी वैल्यू उसमें रख सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा डेटा जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं और इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ कोडिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, है ना, क्योंकि कोडिंग चल रही है और फिर कोडिंग में ही बात करना सही रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नाम का, हमने स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल का चिन्ह लगाया, हमने यहाँ पे नाम लिखा क्या, हम देखिए जब नाम हमने मान लीजिए लिखा शरद। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में एक नाम किसका आया, शरद, तो मैंने इसमें शरद सेव कर दिया। यानी कि स्टूडेंट नाम का हमने एक फोल्डर बनाया, जैसा कि अभी तक देखिए स्टूडेंट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि एक फोल्डर है, इसमें हम कोई भी वैल्यू अपनी रख सकते हैं, उसको फिर मिटा करके फिर दूसरी वैल्यू रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं स्टूडेंट वाले में मैंने शरद रखिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखिए मैंने एक ये सेल बना लिया। अब आपको क्या करना है, आल्ट प्रेस करके प्रेस रहना है, आल्ट प्रेस करते रहना है और एंटर बटन दाब देनी है। तो देखिए ये हमने दूसरे सेल पर आ गए, ठीक है, और वो हमारा जो कोड है उसमें जो हमने प्रोग्रामिंग की पहले सेल में उसमें कोई एरर नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि हाँ ठीक है अभी है वो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रिंट करूँगा। देखिए इसमें कोई भी चीज़ हमें निकालनी पड़ती है तो उसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंट हम चलाएँगे और प्रिंट किसको करेंगे, वेरिएबल को, क्योंकि वैल्यू वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम प्रिंट वेरिएबल को करेंगे, ना कि हम शरद को प्रिंट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हमने चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम फोल्डर को सीधे प्रिंट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे, ना कि शरद को प्रिंट करेंगे, क्योंकि शरद तो बाद में फिर कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा हम उसको भी चेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं। तो देखिए हमने प्रिंट किया है स्टूडेंट, तो देखिए अभी क्या निकलेगा। तो देखिए मैंने स्टूडेंट के अंदर कौन सी वैल्यू रखी थी, शरद, और देखिए प्रिंट जब मैंने स्टूडेंट किया फोल्डर को तो उसमें जो अंदर वैल्यू रखी थी वो शरद ही निकली। अब मैं देखिए स्टूडेंट में अगेन कुछ चेंज कर सकता हूँ, मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट आया, ठीक है, तो देखिए मैं शरद को हटा करके दूसरा स्टूडेंट रख दूंगा। यानी कि वेरिएबल जो होते हैं टेम्प्रोरी होते हैं, कोई गारंटी नहीं कि हमेशा यही रहेगा, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया जिसका नाम जॉन, अब मैं जॉन को रख देता हूँ इसमें। तो अब देखिए मैं प्रिंट फिर करूँगा स्टूडेंट को। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि यदि हम कोई टेम्प्रोरी वैल्यू को स्टोर करना चाहें तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी कोई भी वेरिएबल बना करके। तो स्टूडेंट हमने एक वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट आते रहे, हमने डाटा सेव करते रहे और फिर वो डाटा को हम चेंज करते रहे। तो वेरिएबल वो है जैसे कि बार बार हम टेम्प्रोरी सेव करना चाहें डेटा, तो इस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। एक फोल्डर हम बना लेते हैं, उसमें अपनी वैल्यू को डेटा को सेव करते रहते हैं और उसको चेंज करते रहते हैं और चेंज भी हो जाता है। तो ये वेरिएबल्स आपने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स, एवरी वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ डेटा टाइप। जैसे आपने अभी देखा था, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया था कि स्टूडेंट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने डेटा रखा अपने नाम का। ये जो डेटा है इसको हम डेटा कहते हैं। जैसे मैंने शरद रखा, तो शरद किस प्रकार का डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है। अभी आगे आपको पता चलेगा, अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ।
एक देखिए, एक वेरिएबल जो होता है उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। अब वो क्या हम कुछ भी रख सकते हैं? कोई भी डेटा रख सकते हैं, और डेटा भी कई तरह के होते हैं, कोई एक ही डेटा नहीं कि मैंने नाम रख दिया आपको, मैं कुछ भी रख सकता था उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि एक वेरिएबल के अंदर हम कोई भी डेटा रख सकते हैं, और वो डेटा कई तरह के होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एवरी वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ डेटा टाइप। तो वो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं पढ़ लेते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, कस्टम डेटा टाइप्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स होते हैं, नॉन डेटा टाइप्स होते हैं। तो इस तरह से हमने चार कैटेगरी में हमने उनको डेटा टाइप्स को डिवाइड कर दिया। हालांकि अभी हम कस्टम डेटा टाइप्स और स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स और नन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं। बेसिक डेटा टाइप्स के अंतर्गत भी बहुत सारे डेटा आते हैं। कौन कौन से डेटा आते हैं? पहला इंट, इंटीजर। अभी मैं सब बताऊंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको ना समझ आए बस आप वीडियो देखते रहिए और नोट करते रहिए कॉपी पेन लेकर के, सब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक डेटा टाइप्स। तो इंट हो गया, फ्लोट हो गया। इंट क्या होता है? इंट का मतलब, यहाँ पे इंट, इंटीजर को शॉर्ट में पाइथन में इंट कहा जाता है। तो इंट यानी कि इंटीजर, जो पूर्णांक होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे क्या है? इंटीजर है। फ्लोट क्या होते हैं? फ्लोट हम उनको कहते हैं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि दशमलव जिसमें आ जाए, उनको हम फ्लोट कहते हैं पाइथन में। थर्ड क्या है? बूल। ट्रू फॉल्स यानी कि हाँ या ना जो होते हैं उनको हम बूल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि आपने पढ़ा होगा बचपन में 5j+8, 5j+9, इस तरह से आपने कुछ वैल्यूज पढ़ी होंगी, जैसे आपने x+5, x+5, x+9 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे x ना यूज करके हम यहाँ पे x या फिर जो भी आपने उसकी जगह पढ़ा होगा, हम यहाँ पे j यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स में, पाइथन में, ठीक है ना। तो उसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहते हैं। जैसे 5, एक एग्जाम्पल आप ऐसे देख लीजिए, 5j+8, तो ये किस तरह का डेटा टाइप है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। फिर कौन सा डेटा टाइप होता है? एक होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे कि मेरा आपने नाम देखा था ना, तो वो स्ट्रिंग था। क्यों स्ट्रिंग था? क्योंकि उसको मैंने डबलाइजर के अंदर लिखा था। देख लीजिए, स्ट्रिंग क्या होती है? उसको हम सिंगलाइजर, डबलाइजर या ट्रिपलाइजर के अंदर हम रखते हैं। तो हमने डबलाइजर के अंदर अपना हमने नाम रखा था। तो हमारा जो डेटा टाइप था शरद, वो किस तरह का था? स्ट्रिंग था, क्योंकि मैंने उसको डबलाइजर के अंतर्गत रखा था। और इसमें आसपास आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने शरद में ब्रैकेट नहीं लगाए थे, लेकिन आप लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हो जाता है। और ट्यूपल्स, ट्यूपल्स हम भी टाइप का एक डेटा टाइप होता है, उसमें हम ब्रैकेट आसपास लगाते हैं। अभी मैं सारे कुछ आपको बताऊंगा, बस आपको बेसिक अभी बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन। फिर एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप होता है, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह का ब्रैकेट। फिर एक डिक्शनरी टाइप डेटा टाइप होता है, डिक्शनरी, इसमें हम जो स्मॉल ब्रैकेट से बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है, यानी कि इस तरह का जो ब्रैकेट डिक्शनरी टाइप में, डेटा टाइप में हम लगाते हैं। सेट में भी और डिक्शनरी में भी सेम तरह का आप देख सकते हो ब्रैकेट का यूज किया जाता है डेटा टाइप में। तो अभी आगे आपको पता चलेगा, बस मैंने आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको दी है और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक डेटा टाइप खोल लिया है, और बेसिक डेटा टाइप में जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे जो बताई थी सारी चीज़ें, इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, ट्यूपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, तो वही चीज़ें अब यहाँ पे डिटेल में आपको मिलेंगी पढ़ने को। तो बेसिक डेटा टाइप्स को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इंट, इंट में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स बोले, और इंटीजर्स को हम शॉर्ट में पाइथन में कहते हैं इंट। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप जितना ले जाइए, तो इंट कहते हैं पाइथन में। फिर आती है फ्लोट डेटा टाइप। डेटा देखिए, सारी को डेटा के यही टाइप्स हैं। हर वेरिएबल का में हम एक डेटा रखते हैं, और डेटा कई तरीके का हो सकता है। इंट तरह का हो सकता है, फ्लोट तरह का हो सकता है, बूल तरह का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स तरह का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, ट्यूपल हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, सेट हो सकती है, ये सब डेटा टाइप्स हैं। तो पाइथन में जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम इंट कहते हैं, और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आप जहाँ तक ले जाओ, तो ये सारी इंट डेटा टाइप कहलाते हैं। वहीं पर फ्लोट की बात करें, जब हम कोई डेसिमल नंबर लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप हो जाता है। वहीं पर बात करें बूल की, तो इसमें ट्रू फॉल्स, हाँ या ना आता है, तो ये बूल टाइप का डेटा टाइप होता है। कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, तो 5j+8 या 5, 9, मतलब जे जहाँ पर इंक्लूड करके हम लिखते हैं, तो उस तरह से कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग क्या होती हैं? अभी देखिए, मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आगे आपको डिटेल में बताऊँगा, तो बस समझते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए और लिखते रहिए। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग आर सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड विद इन सिंगल कोट्स, सेवरल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। क्या मतलब हुआ स्ट्रिंग? देखिए, हम उनको कहते हैं जो
सिंगल कोट के अंतर्गत हम रखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अपना भाई नाम लिखा था वहाँ पे, आपको एग्जांपल लिया था जैसे कि अभी पिछला भी मैंने बताया, तो वो स्ट्रिंग थी क्योंकि उसको मैंने सिंगल डबल कोट्स के अंतर्गत रखा। रखोगे यदि सिंगल कोट्स के अंतर्गत रखोगे या ट्रिपल कोट्स के अंतर्गत रखोगे तो स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है ना। और स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो स्ट्रिंग में। अभी आगे आपको समझ आएगा, बस अभी आप सुनते जाइए। ट्यूपल्स की बात करते हैं, तो ट्यूपल्स जो होता है वो इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज विद इन। अभी आप इतना समझ लीजिए, ट्यूपल्स जो है छोटा ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत हम जो भी डाटा रखते हैं उसको हम ट्यूपल कहते हैं। और ये दोस्तों जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का बात करें तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता है ट्यूपल को, ठीक है ना। और इसमें समय फर्क होता है भी, आगे आपको पता चलेगा। लिस्ट की बात करते हैं, तो लिस्ट जो होता है वो स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत डेटा टाइप को रखा जाता है। जो डेटा होता है लिस्ट में वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और इसमें चेंज किया जा सकता है लिस्ट में। डिक्शनरी की बात करी जाए तो डिक्शनरी जो होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है की और वैल्यू का। अभी आगे आपको पता चलेगा, बस आप सुनते जाइए नोट करते जाइए। तो डिक्शनरी क्या होती है, वो जो ये स्मॉल ब्रैकेट और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच का जो ब्रैकेट होता है, इस तरह का ब्रैकेट, उसके अंतर्गत यानी कि इसके अंतर्गत हम डिक्शनरी के जो डाटा होता है उसके अंतर्गत रखते हैं। और ये भी म्यूटेबल होता है यानी कि इसको भी चेंज किया जा सकता है डिक्शनरी के अंतर्गत रखे हुए डेटा को भी। सेट की बात की जाए, सेट भी देखिए वही वाला ब्रैकेट यूज हुआ है जो डिक्शनरी में यूज हुआ है। और सेट जो होते हैं इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। हालांकि आपको भी हो सकता है ना समझ आए, लेकिन अभी आप मोटा मोटा बस इतना समझिए कि इंट फ्लोट बूल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ठीक ना। किस तरह के इंट फ्लोट बूल कॉम्प्लेक्स किस तरह के डेटाबेस को कहते हैं, डेटा टाइप्स को कहते हैं। तो अभी चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं इंट फ्लोट बूल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और इसको देखते हैं कि वाकई में ये सही चीज़ है या नहीं। तो चलिए इसको कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और हम यहाँ पर चेक करेंगे। एक मान लीजिए हम एक डेटा ले लेते हैं इंट टाइप का, तो इंट टाइप का एक डेटा ले लेते हैं। मान लीजिए हमने a इज इक्वल टू 56 लिखा, b इज इक्वल टू 32 लिखा, और यहाँ पे हम प्रिंट किसको करेंगे, हम प्रिंट करेंगे a प्लस बी। देखिए प्रिंट आप चाहो तो नीचे वाले सेल में भी कर सकते हो, इसमें भी चला सकते हो, ठीक है। तो मैं इसी में चला देता हूँ, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार सेल बदलने की ज़रूरत पड़े, हालांकि किसी सिचुएशन में करना पड़ता है। तो अभी मैं यहीं पर चला देता हूँ ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखिए कितना आया 88। तो ये जो 88 आया है, आप बताइए किस तरह का डेटाबेस है, डेटा टाइप है। अभी देखिए आपको नहीं पता तो मैं देखिए बता देता हूँ कैसे ये पता करा जाता है। तो प्रिंट लिख लेना आपको, और ये हमें टाइप पता करना है, तो टाइप पता करना है, ठीक है ना। और वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल जो हमारा है वो है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, और आपको क्या करना है, आल्ट प्रेस रखना है और एंटर बटन दबा देनी है, और जो कोड है आपका रन हो जाएगा। ना रन हो तो यदि आपको ना समझ आता हो तो ऊपर रन की बटन दी है, यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। हालांकि आल्ट आपको प्रेस रखना है और एंटर बटन एक बार दबा देनी है, खैर आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सी, देखिए क्लास इसने बताई है इंट, तो देखिए ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि इंट टाइप का ये डेटा 88 था, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 56, बी इज इक्वल टू 32, प्रिंट हमने क्या किया ए प्लस बी, यानी कि 56 प्लस 32 इज इक्वल टू 88। और जब हमने इसका टाइप जानने का कोशिश किया तो इसने ऑटोमेटिक पाइथन ने बता दिया कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। अब हमने इंट का ले लिया एग्जांपल, अब हम फ्लोट का लेते हैं। अब हम एक ऐसा डेटा लेंगे जो फ्लोट टाइप का होगा, तो हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू मान लीजिए 500, बी इज इक्वल टू 600, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी आपके कर देते हैं, ठीक है। ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे जो 50 है 50 ना लेकर के, हमें चूंकि फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लेना है तो यहाँ पे हम 5 ना लेकर के 52.5, यानी कि हमें एक डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर फ्लोट टाइप का डेटा आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो हमने ए इज इक्वल टू 52.5, बी इज इक्वल टू 600, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी लिया है, ठीक है ना। और अब हम प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट करेंगे हम सी को, क्योंकि प्रिंट सी जो है ए माइनस बी ऑलरेडी है, तो हम इसको प्रिंट में आपकी बार ए माइनस बी ना लिख करके सीधे सी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक वो पता कर देगा। तो समझिए, ध्यान से दिमाग लगाइए। तो प्रिंट की बात करें तो यहाँ पे हम सी जो है अब प्रिंट करेंगे, तो आल्ट प्रेस रखना है, इंटर बटन एक बार दबा देनी है
और ये देखिए हमारा जो आंसर आया है कितना आया है, -47.5 आंसर आया है। अब हम इसकी हम यहाँ पे जांच करेंगे कि ये जो -547.5 है किस तरह का डेटा टाइप है। तो प्रिंट वाई स्टेटमेंट अगेन हम यूज करेंगे, टाइप और सी। तो यहाँ पे देखिए टाइप हम जानने का कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो क्लास यहाँ पे निकली है वो निकली है फ्लोट टाइप की, डेटा टाइप की। तो ये मैं कोई नहीं बता रहा हूँ, ये पाइथन खुद बता रहा है कि फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल लिया था, बाकी आपको कोडिंग करके भी दिखा दी। अब हम लेंगे एक बूल टाइप का डेटा टाइप, बूल टाइप के डेटा टाइप का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि सारा कुछ कन्फर्म क्लियर होना चाहिए। एज इक्वल टू मान लेते हैं ट्रू, और चलिए इसको प्रिंट कर देते हैं, और ए को हम प्रिंट करेंगे। ए हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू रखी है ट्रू। ट्रू किस टाइप का डेटा टाइप है, बूल टाइप का डेटा टाइप है। आल्ट हम प्रेस रखेंगे, एंटर दाबेंगे और ये हमारा रन हो जाएगा, ट्रू आ चुका। अभी ट्रू में पता नहीं किस टाइप का डेटा टाइप है, तो ए काम क्या करेंगे, टाइप चेक करेंगे किसकी, ए की। ए क्या है, हमारा वेरिएबल है। प्रिंट और टाइप किस वेरिएबल का जांचना है, ए। आल्ट बता दिया इसने, क्या बताया, बूल टाइप का डेटा है, वही तो मैं भी कह रहा था। तो यही चीज़ें हैं। और लास्ट और चेक कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का, एक डेटा टाइप का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे एग्जांपल कैसे लेंगे, ए लिखेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। अब देखिए हम जब कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा लिखें तो याद रखिएगा कि हम इस तरह से 5j, देखिए यक्स आई वाई जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा तो वो आप यहाँ पे ना यूज करके पाइथन जो है वो सिर्फ जे को समझता है, ठीक है। यक्स आई वाई जो भी आपने पढ़ा होगा किताबों में वो आप मत यूज करना, वरना ये पाइथन है यहाँ पे नहीं चलेगा। तो 5j+8 हमने एक बनाया और इसको हम क्या करेंगे, रन कर देंगे। और प्रिंट किसको करेंगे, अब हम ए वेरिएबल के अंतर्गत हमने एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप रखा है तो ए वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। और जैसे हम ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो 8+5j आ गया। अब आप कहोगे हमने लिखा तो 5j+8, आंसर आया 8+5j, ऐसो कैसे। तो ऐसा कैसे हम आपको बताते हैं कि 5 में 4 जोड़ो, 5 में 4 जोड़ो या 4 में 5 जोड़ो, बात एक ही है ना, तो इसलिए आया है। तो इसीलिए ये जो 8+5j हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, अब इसका टाइप हम चेक कर लेते हैं। टाइप, तो टाइप हम कैसे चेक करेंगे, टाइप और किस वेरिएबल का टाइप चेक करना है, ए। तो लो आ गया, किस तरह की क्लास निकली, कॉम्प्लेक्स टाइप की यहाँ पे क्लास निकली। और फाइनली हमने देखा, हमने सारे तरह के डेटा आपको एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाए, ठीक है, बताए भी और दिखाए भी। तो इंट टाइप का डेटा टाइप आपने देखा कि वेरिएबल के अंतर्गत हम कितने तरह का डेटा रख सकते हैं, इंट टाइप का रख सकते हैं, फ्लोट टाइप का रख सकते हैं, बूल टाइप का रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का रख सकते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग, ट्यूपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट का एग्जांपल नहीं लिया है क्योंकि अभी आपको पढ़ाई भी नहीं है और आपको समझ भी नहीं आएगा। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बताई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग है पाइथन टोकेंस। जो पाइथन में जो स्मॉलेस्ट मीनिंग होते हैं कंपोनेंट प्रोग्राम में, उनको हम पाइथन टोकेंस कहते हैं। और पाइथन टोकेंस 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, पाइथन ऑपरेटर्स, इस पर जरा ध्यान देना, पाइथन ऑपरेटर्स थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है। तो पाइथन ऑपरेटर्स, फिर कौन से, दूसरा कौन से होता है, पाइथन कीवर्ड्स, ये सस्ते में निपट जाएगा। अभी पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन आइडेंटिफायर्स, पाइथन लिटरल्स, ये सस्ते सस्ते हैं तो इनको अभी हम पढ़ लेंगे। और पाइथन ऑपरेटर्स है, सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। पाइथन ऑपरेटर्स भी 3 तरह के होते हैं, ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, लिखते जाइएगा। पाइथन टोकेंस 4 तरह के होते हैं, पाइथन ऑपरेटर्स, पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन आइडेंटिफायर्स, पाइथन लिटरल्स। पाइथन ऑपरेटर्स भी 3 तरह के होते हैं। अब वो कौन से 3 तरह के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हिंदी में कहे तो अंक गणितीय ऑपरेटर्स, और रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पाइथन ऑपरेटर्स को ही देख लेते हैं, उसके बाद पाइथन कीवर्ड्स देखेंगे, उसके बाद आइडेंटिफायर्स देखेंगे, लिटरल्स देखेंगे, लेकिन पाइथन ऑपरेटर्स पर अभी फोकस कीजिए, काफ़ी लंबा है। तो पाइथन ऑपरेटर्स में 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए हम आ चुके हैं पाइथन ऑपरेटर्स पे। तो पाइथन ऑपरेटर्स में हम देखेंगे क्या, 3 तरह के ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देख लेते हैं और यहाँ पे कुछ कोडिंग चलाते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, यही चीज़ें हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। तो और टाइप कास्टिंग भी है और बोर्ड मास का लाभ भी है।
तो ये भी सारी चीज़ें देख लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे। लेकिन जो पाइथन ऑपरेटर्स है, काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, तो अभी ध्यान से समझिएगा, दिमाग यहीं लगा दीजिए। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। तो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम स्टार्ट करें, उससे पहले एक नियम समझ लीजिए, वो होता है बोर्ड मास का नियम। क्या है का नियम? बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं बोर्ड मास का नियम आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ए इज इक्वल टू लिया कितना, 52 लिया, बी इज इक्वल टू कितना लिया, 62 लिया, सी इज इक्वल टू कितना लिया, सी इज इक्वल टू हम एक फंक्शन बनाएंगे कि ए इंटू बी और टोटल अपान सी, नहीं ए। अब आप कहोगे कि इसमें हम क्या करें, चलिए इसको हम छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा ना लेते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो ए इज इक्वल टू 25 मैंने कर दिया और बी इज इक्वल टू 50 कर दिया और सी इज इक्वल टू मैंने क्या किया, ए इन टू बी अपान ए। तो अब यहाँ पे सी को हमें सॉल्व करना है, सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, आप सोचोगे पहले मल्टीप्लाई कर दें कि डिवाइड कर दें, यही कन्फ्यूजन आ रही होगी दिमाग में। तो ये कन्फ्यूजन ऐसे नहीं दूर होगी, ऐसे दूर होगी हम बताते हैं। इसके लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए, काहे का नियम, बोर्ड मास का। ये नियम हमसे क्या कहता है कि बी से सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ब्रैकेट को। और जब अगर ब्रैकेट ना हो तो हम क्या किसको प्रायोरिटी देंगे, हम देंगे प्रायोरिटी रूट्स को, अंडर रूट्स को। अब मैं ये नहीं आपको बताऊंगा कि रूट्स होते क्या हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बहुत पुरानी चीज़ें होती सिखाई जाती हैं। तो बोर्ड मास का नियम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले ब्रैकेट देखा जाता है, यदि ब्रैकेट ना हो तो हम उसके बाद रूट्स देखते हैं, यानी कि अंडर रूट आता है कहीं पे, अगर अंडर रूट्स ना हो उसके बाद हम डिवाइड देखते हैं, यानी कि डिवीजन, यानी कि भाग। और जब डिवीजन भी ना हो, यदि मल्टीप्लिकेशन हो यानी कि गुणा हो, तो मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी यदि ना हो तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये देखिए सारी प्रायोरिटी बात मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद रूट्स को, अंडर रूट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद डिवीजन को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा को प्रायोरिटी दी जाती है। अब उसके बाद किसको दी जाती है, ए आया, बोर्ड मास का नियम मैं बता रहा हूँ, तो ए अभी बचा हुआ है, एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना, एस बचा है आखिरी में, एस का मतलब सबसे आखिरी में आता है जब कुछ नहीं बचता, तो सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, इसको सबसे बाद में लिया जाता है। तो ये आपने समझा बोर्ड मास का नियम, और ब्रैकेट मैंने बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद रूट्स को यानी कि अंडर रूट आ जाए उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद भाग यानी कि डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, उसके बाद घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो ये आपने बोर्ड मास का नियम समझा। अब यहाँ पे ब्रैकेट की बात आ जाती है, तो ब्रैकेट कोई एक तरीके के तो होते नहीं है, आपने देखा होगा कई तरह के ब्रैकेट, मैं जब देख जिसके पाता उसका लगा देता हूँ। तो ब्रैकेट भी तीन तरह के होते हैं, उनको भी समझ लीजिए। सबसे जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको हम कहते हैं ये वाला ब्रैकेट, ये क्या ब्रैकेट, इसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट। और जो ये, इसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अगर ये वाला ब्रैकेट आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद एक इस तरह का आपने ब्रैकेट देखा होगा, ठीक है, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उससे छोटा होता है, सबसे छोटे वाले से यानी कि बीच का होता है, ठीक है। तो ये है ये वाला ब्रैकेट, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और ये इस तरह का ब्रैकेट, यानी कि सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके छोटा वाला ये इस तरह का जो आप डिज़ाइन देख रहे हो इस तरह वाला ब्रैकेट कहते हैं, और तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, तीनों की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। इस हिसाब से सवाल को लगाया जाता है, हल किया जाता है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, कोडिंग पे। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था सी इज इक्वल टू ए इन टू बी अपान ए, और हम प्रिंट किसको करेंगे, हम प्रिंट करेंगे सी को, और आंसर देखते हैं हमारा क्या आता है, हालांकि ये तो ऑटोमेटिक बता देगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। और अब हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 50 आया है, काहे आया है, तो इसने देखिए किया क्या है, ए इन टू बी अपान ए था, तो ए इन टू बी तो हम पहले करेंगे नहीं, बी अपान ए सॉल्व करेंगे, यानी कि 50 अपान 25 इज इक्वल टू 2, और जिसे हम 2 को जब गुणा करेंगे किससे, ए से, ए क्या है 25 है, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, वही हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि 50 जो है ये किस तरह का डेटा टाइप है, क्या फ्लोट है, इंट है, बूल है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है।
तो टाइप चेक कर लेते हैं। प्रिंट टाइप वेरिएबल हमने क्या बनाया है, सी। प्रिंट देखिए हम किसको कर रहे हैं, सी को, तो सी को देखिए सी। तो अब हम सी को प्रिंट कर देंगे, और जो यहाँ पे क्लास निकली है वो क्लास का है कि निकली है फ्लोट, तो फ्लोट टाइप का डेटा है। देखा जाए तो सही में फ्लोट ही टाइप का डेटा है, क्योंकि 50.0 दशमलव लगा है, डेसिमल लगा है, इंट टाइप का डेटा नहीं है। दरअसल कोई भी प्रोग्रामिंग जब बनाई जाती है तो उसमें डेसिमल यानी कि फ्लोट टाइप का डेटा का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे आपका इंट टाइप का डेटा या फ्लोट टाइप का डेटा दोनों उसमें कवर कर लिए जाते हैं। इंट टाइप का डेटा का यदि आप लोगे तो उसमें गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है, अब मैं आपको टाइप कास्टिंग के जरिए दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप कास्टिंग। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन के अंतर्गत ही हम पढ़ा रहे हैं आपको कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग का यूज दरअसल ऐसे होता है, टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट हम टाइप कास्टिंग किसको कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हम ऐसे कहते हैं, जैसे पाइथन में हमने कोई जैसे a=25 b=50 हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसने ऑटोमेटिक 50 आंसर दे दिया, तो ये एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का उदाहरण हुआ, यानी कि पाइथन ने ऑटोमेटिक दे दिया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये हमें फ्लोट बना दे करके इंट में दे डाटा, और हम अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब पाइथन का मतलब सिस्टम चेंज करके हमें मतलब अपना डाटा ले हुए है कि फ्लोट ना आ करके हम इसको ज़बरदस्ती इंट में ला में, तो वो कैसे होगा, इसको हम कहते हैं, इस तरकीब को कहते हैं एक्सप्लिसिट। अब देखिए मैं कैसे इसको जो फ्लोट में आया था उसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और यहीं से आपका समझ आ जाएगा कि कैसे सारा कुछ काम करता है, क्यों हमें डाटा को फ्लोट में लेना चाहिए इंट में नहीं लेना चाहिए, ये भी यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, और फ्लोट वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, और फ्लोट वैल्यू में क्या होगा, हम दशमलव लगा देंगे जानबूझ के। तो फ्लोट में हमने यहाँ पे 2.5 एक फ्लोट वैल्यू है, लेकिन हम इसको क्या बताएंगे कि ये इंट वैल्यू है। आप कहोगे ऐसा कैसे होगा, तो वैसे होगा, इसमें इंट लगा दो आगे और इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। हमने ब्रैकेट के अंदर 2.5 को रख दिया, और एक हमने ऐसे, अब ध्यान से समझिए, ए हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक हमने वेरिएबल बनाया ए, उसका नाम हमने रखा ए। ए हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू रखी 2.5, जो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू थी, लेकिन हमने इसको बताया कि इंट टाइप की वैल्यू के रूप में इसको लिया जाए, ठीक है ना। तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, इंट लगा दिया, और इसको आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। देखिए कोई भी पाइथन में जब कमेंट की जाती है तो उसको हैश लगा कर आप कर सकते हो, ये ये प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं की जाती है, सिर्फ आप अपनी बात रखने के लिए समझाने के लिए ऐड कर सकते हो, प्रोग्राम में नहीं इंक्लूड की जाएगी यदि आप हैश लगा करके कोई कमेंट करोगे। तो ये जो है डाटा इंट फ्लोट टाइप का था, लेकिन हमने यहाँ पे इंट बना दिया, ठीक है। और बी इज इक्वल टू हमने 50 रखा, जो कि एक इंट टाइप का ऑलरेडी है, तो इसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन सी इज इक्वल टू बनाएंगे, क्या a+b, और प्रिंट किसको करेंगे, सी को प्रिंट करेंगे और रन कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमने रन किया तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा कि जो डेटा था वो कैसा था, ए में, ए वेरिएबल में जो डेटा था वो फ्लोट टाइप का था, लेकिन जब हमारा जो फाइनल आंसर आया, अभी हमारा जो आया था उससे पहले वो हमारा फ्लोट टाइप का था, लेकिन इस बार हमारा इंट टाइप का आया। क्यों आया, क्योंकि हमने जो फ्लोट टाइप का डेटा था उसको मैंने इंट में बदल दिया, ठीक है ना, उसको मैंने ये बता दिया कि ये इंट टाइप का डेटा है। लेकिन इसमें एक चीज़ भी हुई है, आपने यदि ध्यान से देखा हो तो, क्या हुई है कि हमने जब 50 में 2.5 जोड़ा तो 52.5 आना चाहिए, लेकिन आया कितना, 52। क्यों आया, क्योंकि आपने इंट में बदला है ना, तो इंट में जब बदलोगे तो दशमलव वाला तो गायब कर देगा वैसे ही, तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लोट टाइप का डेटा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो दोनों को पढ़ लेता है। तो यही चीज़ हुई है और कुछ नहीं हुई है, और यहीं पे यदि आप इसके छोटा सा भी यदि आप चेंज कर दोगे इसमें, तो सारा आपका किया कराया पानी पड़ जाएगा। जैसे आप देखो, अब मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ str, यानी कि स्ट्रिंग मैं कर देता हूँ, और स्ट्रिंग की खासियत क्या होती है, उसके अंतर्गत हम किसके रख देते हैं, तो इसको हम रख देते हैं डबल आइजर के अंतर्गत। अब देखिए स्ट्रिंग हमें क्या कर देगी, स्ट्रिंग में जब देखिए जोड़ा जाएगा ना, तो वो जोड़ेगा नहीं, वो कॉनकैटिनेट कर देगा। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने एक ए वेरिएबल के अंतर्गत 2 रखा, ठीक है ना, अभी 2 कैसा है, इंट है, आपको भी पता है हमें भी पता है, लेकिन हमने इसको क्या बताया कि str है, ठीक है ना, str हमने इसको बता दिया। और
अब देखिए बी में हमने क्या रखा, 50 रखा। 50 किस तरह का डाटा है, इंट टाइप का डाटा है। और अब इसको हम ज़रा प्रिंट करा देते हैं सी को और देखते हैं क्या आता है। ये इसने एरर दिखा दिया है, तो अभी एक चीज़ रुक जाइए, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, str में रख देता हूँ। तो इसको मैंने डबल आइजर के अंतर्गत रख दिया। और अब देखिए इसको मैं जब प्रिंट कराऊंगा सी, अब देखिए कोई एरर नहीं आया और आराम से प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि देखिए जो उसके अंतर्गत चीज़ रखी हुई थी वो था इंट। देखिए ए वेरिएबल के अंतर्गत और बी वेरिएबल के अंतर्गत इंट रखा था, लेकिन जब हमने उसको क्या बताया कि str है, और जब str होता है यानी कि स्ट्रिंग होती है, तो उसको कॉन्केटिनेट करता है, ना कि उसको एडिशन करता है। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है, जैसे देख लिए जो ऊपर ऊपर से उसने 2 उठा लिया, नीचे से 50 उठा लिया, सीधा रख दिया। उसने ए प्लस बी नहीं किया, उसने 2 + 50 इज इक्वल टू 52 नहीं किया, उसने 250 दिखा दिया पूरा। तो ये होता है यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग जब आप जोड़ोगे, चाहे भले ही वैल्यू कुछ भी हो, तो वो कॉन्केटिनेट करेगा। और इस तरह से आप टाइप कास्टिंग के जरिए इसमें जो पाइथन यानी कि जो इम्प्लिसिट का प्रोग्राम चलाता है, आप उसको एक्सप्लिसिट के प्रोग्राम में आसानी से बदल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है इसको बदलने का। तो आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पे समझ लिया, अब हम समझेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स कुछ चिन्ह होते हैं, उनको बस समझ लीजिएगा। इसमें कौन से चिन्ह होते हैं, इज ग्रेटर देन, इज लेसर देन, इज इक्वल, इज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर आर इक्वल, इज लेसर आर इक्वल, इस तरह के 6 चिन्ह हैं। तो इन्हें जरिए समझ लेते हैं कोडिंग के जरिए, तो वहीं पे चलते हैं। और यहाँ पे इसको सब कुछ हम हटा देते हैं ताकि सब ठीक दिखे। और तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 20। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ए बी के ए बी से बड़ा या नहीं बड़ा है। तो ए मैं कह रहा हूँ, चलिए इसको ऐसे हम कर लेते हैं, ऑल्ट रन किया, हम चेक करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी है या नहीं है। तो इसने बता दिया ट्रू, ए बी से बड़ा है, सही में 50 20 से बड़ा होता है, वही उसने बता दिया, और इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं। और देखिए ए हम बी के बराबर चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है, तो देखते हैं ये ऑटोमेटिक बता देगा कि बराबर है या नहीं है। तो इसने क्या बताया, फॉल्स। तो इसमें आप प्रिंट भी लगा सकते हो, चाहो तो ना भी लगाओ तो भी काम चल जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रिंट लगाते रहो। तो ये देखिए वही चीज़ आएगी, कोई इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो एक मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, ये देखिए इक्वल नहीं है, तो एक नॉट इक्वल पे हम जब प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू बता देगा। तो ऐसे आप करके देख सकते हो, मैंने चिन्ह आपको सारे दिखा दिए, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़े करके दिखा देता हूँ। तो इज नॉट इक्वल मैं कह रहा हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ए बी के बराबर है या नहीं है। तो इस बार मैंने क्या कहा है कि बराबर नहीं है, और ये देख लीजिएगा कह देगा कि हाँ सही बात है। देखिए ट्रू, क्यों ट्रू आया, क्योंकि ए इज इक्वल, ए इज नॉट इक्वल बी। देखिए नॉट इक्वल का जो यहाँ पे चिन्ह बना है, देखिए हम साधारणतः जब अपनी कॉपी में लिखते हैं तो एक बार डबल बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बार चिन्ह लगता है। और जब कोई चीज़ इक्वल नहीं होती तो इसको हम संबोधन का चिन्ह, या फिर ऐसे कर लीजिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और इक्वल का चिन्ह, दोनों लगा करके चेक कर लेते हैं। तो ये जो नॉट इक्वल का साइन होता है, हमने जब प्रिंट किया देखा कि ए बी के बराबर नहीं है, क्या बात सही है, तो उसने कहा हाँ ट्रू। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और भी देखिए हैं इज ग्रेटर देन, इज लेसर देन, इस तरह से आप देख सकते हो सारे कुछ कर करके। आप अपना प्रोग्राम बनाकर देख लीजिएगा, मैंने सारे चिन्ह आपके सामने लिख ही दिए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स का होता है। ये लॉजिक, चूँकि बात भी आई है लॉजिकल, तो लॉजिक समझ लीजिए। इसमें देखिए तीन तरह के मेन चीज़ें यूज की जाती हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम एंड इस तरह से जो सिंबल होता है एंड का, उससे प्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। और को हम इस डंडे के सहारे से, यानी कि जो इस तरह का होता है चिन्ह, इससे हम प्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं और को। नॉट ऑपरेटर भी होता है, यानी कि तीन ऑपरेटर कुल मिलाकर होते हैं। अब बेसिक से हम देख ही लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लॉजिक ऑपरेटर में जो होते हैं दो तरह की बस चीज़ों के उपयोग किया जाता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब इसका यूज कैसे होगा, जैसे एंड ऑपरेटर में देख लो, एंड ऑपरेटर एग्जांपल मैं लेकर के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कोडिंग पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये सारा कुछ हटा देते हैं।
आप देखिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, तो देखिए आल्ट एंटर किया, रन किया। अब मैं यहाँ पे पता कह रहा हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने क्या कहा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेसर देन ए, देन देखिए मैंने चिन्ह देखिए, ध्यान से देखिएगा जो भी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने किया, आप यहाँ पे समझिएगा। तो प्रिंट किसको करो, प्रिंट करो का प्रिंट करना है, तो देखो कि ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से बस देखते रहो, नोट करते रहो, ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए मैंने इसको कमांड दी है, क्या कमांड दी है, मैंने कहा है ए इज ग्रेटर देन बी, देखिए जो एंड मैंने यूज किया है इसकी जगह पर मैं एंड का जो सिंबल है एंड वाला, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था उसको भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है, तो उसको भी किया जा सकता था। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन हमने लगाई, हमने कहा ए इज ग्रेटर देन बी और बीच में चिन्ह काय का लगा हुआ है एंड का, ठीक है ना, तो ए इज ग्रेटर देन बी, आप बताइए ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू है या फाल्स है, तो ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि 50 इज ग्रेटर देन 20, सही में 50 20 से बड़ा है, तो यानी कि ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, ये हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। और जब देखिए यहाँ पे भी चलिए, तो देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर का देखिए, एंड ऑपरेटर वाला बॉक्स देखिए, यही पहला वाला एंड ऑपरेटर का, तो पहली इनपुट जो है वो हमारा ट्रू आ गया है, और दूसरा देखते हैं क्या है, ऑटोमेटिक हमें आउटपुट यहीं से पता चल जाएगा, फिर हम रन करा के भी कोड को देख लेंगे। अब दूसरा जो हमने कंडीशन लगाई है वो हमने क्या लगाई है कि बी इज लेसर देन ए, हमने क्या कहा है कि बी जो है ए से छोटा है, यानी कि बी जो है 50 से छोटा है, कंडीशन कैसी है आप बताइए, सही कंडीशन है कि ट्रू है, तो यानी कि ट्रू एंड ट्रू क्या बनेगा, पहला इनपुट है ट्रू, दूसरा इनपुट है ट्रू, आउटपुट क्या मिलेगा, सबसे पहले हम चार्ट में देख लेते हैं उसके बाद कोड भी रन करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो हमें देखिए पहला हमने इनपुट है ट्रू, दूसरा इनपुट है ट्रू, तो ये पहला वाला यदि आप बॉक्स देखेंगे तो इसमें चार लिखे हैं फंक्शन, उसमें सबसे लास्ट वाला जो है ट्रू ट्रू का, जो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ठीक है, तो ये देखिए प्रिंट कर देगा अभी खटाक से, क्योंकि इसमें जो जो दोनों चीज़ें हैं ट्रू ट्रू हो चुकी हैं, और जो आउटपुट निकलेगा वो ट्रू ही निकलेगा, और ट्रू नहीं लिखेगा उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रू लिख देगा, उसका मतलब ये है कि वो प्रिंट कर देगा, वैसे वो प्रिंट नहीं करता, एरर दिखा देता। तो देखिए अभी मैं प्रोग्राम इसको रन करूँगा जैसे, और ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया कि ए इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि लॉजिक इसमें लगाना पड़ता है। अच्छा यहीं पे एक दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं कि अच्छा एक चीज़ इसमें ऐसे लगा लेते हैं, तो ये देखिए आपने क्या देखा कि एंड, अब एंड की जगह मैं यहाँ पे सिंबल भी इसका यूज कर सकता हूँ, तो सिंबल भी यूज करके दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। तो देखिए हमने ए एंड आप चाहे लिख लो और चाहे एंड का सिंबल लगा लो, आना वही है जो आना होगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा ट्रू था, दूसरा हमारा ट्रू एंड ट्रू का जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, इसीलिए जो हमारा ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट हो रहा है। यदि इसमें हम कुछ अभी गड़बड़ कर देते, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी प्रिंट ये नहीं होता। वहीं पे बात कर लेते हैं और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर को हम यहाँ पे देखेंगे, तो और ऑपरेटर जो है वो इस तरह से कुछ काम करता है। और ऑपरेटर का यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, यहाँ पे हम और ऑपरेटर का एक हम फंक्शन बनाते हैं और उसको रन करा के देख लेते हैं क्या प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। अच्छा और ऑपरेटर में जो होता है, यदि आपको प्रिंट कराना है तो उसमें एक को अब रखना पड़ता है, और का मतलब क्या होता है, या यानी कि कोई एक चीज़ आप ठीक कर दीजिए ऑटोमेटिक, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल बढ़िया रहता है, इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, और अब मैं यूज़ करूँगा और ऑपरेटर को, और मैं क्या कहता हूँ कि ए इज लेसर देन बी, मैं कह रहा हूँ ए इज लेसर देन बी, और मैंने फिर वही चीज़ यूज की और मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट करूँगा ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने देखिए पहले मजे मैंने एंड लगाया था, अब की बार मैंने और का एक बना रहा हूँ, ठीक है ना। और तो इसमें अब क्या होगा, देखिए पहली वाली जो कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी मैंने बनाई, 50 20 से बड़ा है, सही बात है, लेकिन इस बार मैंने जानबूझ के दूसरी जो कंडीशन है वो गलत कर दी। मैंने क्या कहा
कि ए जो है वो बी से छोटा है, यानी कि 50 20 से छोटा है। क्या छोटा होता है? नहीं होता है। तो यानी कि जो पहला यदि देखी जाए कंडीशन तो वो ट्रू है, और जबकि दूसरी कंडीशन देखी जाए तो वो फॉल्स है। और ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे क्या निकलेगा? ट्रू पहला इनपुट है, फॉल्स दूसरा इनपुट है, फाइनली आउटपुट क्या निकलेगा? ट्रू निकलेगा, क्योंकि और में जो होता है वो सिर्फ एक ही यदि सही हो जाए तो भी वो प्रिंट कर देता है। तो देखिए, देख लेते हैं सिंपल सा रन करा के कोड को। तो कोड हम जब रन कराएंगे तो यहाँ पे जो कोड हमारा रन होगा, देखिए ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरह से जो है ऑपरेटर्स हमारे वर्क करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मैंने आपको दिखाया, फाइनली एक लास्ट ऑपरेटर हो वो चाहे नॉट ऑपरेटर, इसको भी रन करा कर देख लेते हैं। तो इफ इफ ए, तो नॉट ऑपरेटर को मैं देख लेता हूँ। इफ ए नॉट, इफ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट। मैं देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखते रहिए। ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि ए जो है बी से बड़ा ना हो। क्या कहा है कि ए जो है 50 जो है 20 से बड़ा ना हो, तो यहाँ पे ए को सबसे बड़ा नंबर दिखा दो। तो इसका देखिए अपोजिट बिल्कुल हो जाता है और कुछ नहीं इसमें होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इफ का भी यहाँ पे यूज, नॉट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दूसरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लिया मैंने ए जो है वो कोई एक इंडियन है, ट्रू कर दीजिए। तो इस तरह से जो होगा है आप यहाँ पे नॉट का भी यूज कर सकते हो, तो नॉट का भी आपको मिल जाएगा। यदि आप फॉल्स करोगे तो ट्रू मिल जाएगा, ट्रू करोगे तो फॉल्स मिल जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट मिल जाता है। तो नॉट ऑपरेटर्स का भी इफ एल्स में यूज इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। लास्ट का आप यहाँ पे ले लेते हैं जिसको, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो नॉट का यहाँ पे बात आ जाते हैं लिटरल्स पे, नहीं यहाँ पे पाइथन ऑपरेटर्स हमने ख़त्म कर लिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिया रहे। अब यहाँ पे हम देखेंगे पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन आइडेंटिफायर्स, पाइथन लिटरल्स। तो पाइथन कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं। तो पाइथन कीवर्ड्स देख लीजिए यहाँ पे। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? दरअसल 25 वर्ड्स हैं ये, इनको स्पेशल पाइथन में माना जाता है, ठीक है ना। ये रिजर्व है, इनको आप कभी भी वेरिएबल बनाने में यूज मत करना, वरना आपका प्रोग्राम गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि इसके अभी कुछ यूज होते हैं, जैसे इफ का देख लीजिए मैंने अभी आपको यूज दिखाया। इसी तरह से सबके ये कुछ ना कुछ यूज हैं, इसलिए इनको नहीं लिया जाता है कभी भी वेरिएबल बनाने में। तो ये 25 वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही होते हैं। यदि कैपिटल लेटर कैपिटल बनेगा, स्मॉल है तो स्मॉल बनेगा। आइडेंटिफायर्स, पाइथन आइडेंटिफायर्स का मतलब ये होता है, आइडेंटिफायर्स कुछ नाम होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इनका मतलब कुछ सावधानी आपको ध्यान रखनी है पाइथन आइडेंटिफायर्स के अंतर्गत। वो ये है कि आपको कभी भी कोई स्पेशल करेक्टर से जो आपका वेरिएबल है यूज नहीं, शुरुआत नहीं करनी है। स्पेशल करेक्टर जैसे आपने कोई भी मतलब हैज फैज बना दिया आपने और वेरिएबल से आपने स्टार्ट कर दिया, सिवाय सिर्फ एक ही स्पेशल करेक्टर अलाउ है, वो है अंडर स्कोर का। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यदि आपने वेरिएबल में मान लीजिए वेरिएबल आपने ए बनाया और फिर आपने जो दूसरा वेरिएबल बनाया वो बड़ा ए बना दिया, यानी कैपिटल ए बना दिया, तो वो जो दोनों वेरिएबल्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेटर्स का इसमें याद रखना, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। यदि आपने स्मॉल लेटर में बनाया और कैपिटल लेटर में सेम वेरिएबल बनाया तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें, फर्स्ट लेटर जो है वो वेरिएबल का नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी चीज़ याद रखना। फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी आर डिजिट। लिटरल्स की बात करें, पाइथन लिटरल्स, पाइथन लिटरल्स कुछ नहीं कांस्टेंट को हम कहते हैं। तो ये वो लोग, ये वो वेरिएबल या फिर डेटा मान लीजिए जो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 जो है वो कभी 6 के बराबर होगा? नहीं होगा, इक्वल ही रहेगा। मतलब 5 5 के बराबर होगा ना, कि 5 को 6 के बराबर कर दोगे। तो ये लिटरल्स होते हैं जिनकी वैल्यू अपने आप में एक सेम होती है, कांस्टेंट होती है, टिकी रहती है। जैसे हेलो वर्ल्ड का ले लीजिए, तो
तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, जो कि हेलो वर्ल्ड का मतलब हेलो वर्ल्ड ही होगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि लिटरल्स में मतलब ये होता है कि कांस्टेंट होता है और चेंज नहीं होता है, उसका जो मतलब होता है वही रहता है। ज़्यादातर मोस्टली ये दो ही चीज़ों में देखने को मिलता है। एक होता है नंबर में कि 5 कभी 6 के इक्वल नहीं हो सकता है, 10 कभी 20 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि जो एक है डेटा वो मतलब एक अपना अपने आप में है, ठीक ना। और हेलो वर्ल्ड की बात कर लो तो जैसे कोई भी मीनिंग आप ले लो तो वह उसी के इक्वल रहेगी ना, कि उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप ले लीजिए स्ट्रिंग का, ले लीजिए एग्जांपल स्ट्रिंग और इंट या फ्लोट में देखने को आपको मिल जाते होंगे लिटरल्स। तो ये कांस्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आपको मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई, ठीक है ना, और सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाया, ना कि सिर्फ बताया। और वीडियो भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। सेकेंड एपिसोड भी इस सीरीज का जल्दी आएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जितना ज़्यादा हो जितना ज़्यादा हो आप इस चैनल को शेयर करें लोगों के साथ, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है।